हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट क्लास में देखा था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। उसके बाद हमने देखा था एलआर सर्किट, फिर देखा था एलसी आरसी सर्किट, और फिर हमने एलसीआर सर्किट, तीनों सारे सर्किट के बारे में हमने देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं पावर एंड पावर फैक्टर। सो जैसा कि हम जानते हैं कि पी इज इक्वल टू वी आई, ये फार्मूला हमने जो है सो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, पी इज इक्वल टू वी आई, करेक्ट? P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई, वी हैव स्टडीड इन द करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। नाउ लेकिन एसी में क्या होता है, वी और आई जो होता है, जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं जब एसी में, वी और आई का, दिस इज आई का एंड दिस इज वी, तो वी आई का जब ग्राफ बनता है ना, तो ये दोनों अपने अपने टाइम के अनुसार, जैसे मतलब ये साइनसॉइडल वेव होता है, करेक्ट? तो ये मतलब कांस्टेंट नहीं होते, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। डीसी होता तो कांस्टेंट होता, बट इफ इट इज एसी देन इट वोंट बी कांस्टेंट। सो इनिशियली हमने क्या माना, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज साइनसॉइडल वेव है, तो इसलिए बी का जो है सो फॉर्मूला होगा बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई की बारी। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि वो कुछ फाइव एंगल से जो है सो आगे की और जो है सो आई जो है सो जाती है। अब पावर की बात करते हैं, तो पावर के फॉर्मूला हमने देखा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, पावर इज इक्वल टू वी आई। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब वी वैरीज करेगा तो आई भी वैरीज करेगा, जब दोनों वैरीज करेगा तो इट मीन्स क्या, पावर भी वैरीज करेगा, अगर दोनों में से एक भी कोई वैरीज किया तो पावर भी वैरी करेगा। वही है कि पावर अगर अगर वोल्टेज सॉरी वी और आई दोनों में से कोई भी अगर एक भी वैरीज करता है तो पावर भी वैरीज करेगा। हमने पावर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला देखा था, दैट इज नथिंग बट इट इज वी आई। फिर अगर हमको एक करंट टाइम के लिए अगर पावर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दोनों को हमने जो है सो ऐड कर दिया, वी प्लस आई, बिकॉज पावर इज नथिंग बट द दिस इज वी आई, करेक्ट? सो पावर इज वी आई। सो वी इज इक्वल टू वी नॉट आई, वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज नथिंग बट द आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो वी नॉट इंटू आई नॉट एंड दिस इज साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो पावर इज इक्वल टू वी आई हमने कर दिया। अब हमें निकालना है वैल्यू पावर का। सो पी एवरेज मीन्स पी टी, दैट इज नथिंग बट वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हमने इसके ऊपर जो है सो लगाना है मीन, तो मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा। उसके लिए वी नॉट आई नॉट और इसका साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस बी, दैट इज नथिंग बट द साइन ए साइन बी फॉर्मूला हम लोग अभी यूज करने जा रहे हैं। तो वो यूज करके ले आएंगे वी नॉट आई नॉट बार इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है टू साइन ओमेगा टू टी, ओके? तो वो अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन टू ओमेगा टी, साइन टू ओमेगा टी बाय टू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो इसकी जगह पे अभी हम ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और साइन फाइव वैसे का वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी नॉट आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव और प्लस साइन टू ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब सारे के ऊपर जो है सो मीन हम लगा देंगे। अब हमने जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में ही हमने शॉर्टकट कुछ देखा था, उसके हिसाब से जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 हमने देखा था, तो 1/2 हो गया इसका वैल्यू। कॉस फाई का वैल्यू हमने नहीं देखा था, इसलिए कॉस फाई का वैल्यू कॉस फाई, साइन टू ओमेगा टी का वैल्यू नथिंग बट इट इज जीरो, सो इट विल बी जीरो। तो फिर यहाँ से हमें बचा ये से वी नॉट आई नॉट इंटू 1/2 इंटू कॉस फाई, सो पी एवरेज इज वी नॉट आई नॉट इंटू 1/2 इंटू कॉस फाई। उसके बाद वी नॉट को हम क्या लिख सकते, वी नॉट और हमें नीचे में टू है, तो हम इसको वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू, अगर नीचे में रूट टू इंटू रूट टू करेंगे दैट मीन्स इट इज रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू टू, करेक्ट? सो वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाई, ये सेम टू सेम लिखा रहेगा। सो वी नॉट बाई रूट टू हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि वी नॉट बाई रूट टू इज नथिंग बट इट इज वी आर एम एस एंड आई नॉट बाई रूट टू इज नथिंग बट इट इज आई आर एम एस। सो पी एवरेज इज नथिंग बट बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अब यहाँ पे कॉस फाइव जो होता है सो होता है पावर फैक्टर। वट इज कॉस फाइव, कॉस फाइव इज पावर फैक्टर। हमने एक लास्ट लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें कॉस फाइव का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में कॉस फाइव लाऊंगा। तो यही है कॉस फाइव, जिसको कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाइव निकालने का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, आर इज नथिंग बट इट इज रेसिस्टेंस एंड जेड इज नथिंग बट द इम्पिडेंस। तो ये जेड जो होता है सारे चीज के लिए वैरी करेगा, अगर हमारे पास आर सर्किट है तो उसके लिए तो
डिफर करेगा, अगर आरएल सर्किट है उसके लिए डिफर करेगा, आरसी सर्किट है उसके लिए डिफर करेगा। अभी हम सारे चीज के लिए जो है सो कॉस फाई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ये बहुत ही बेस्ट, ये आपको डायग्राम जो मैंने लिखा है और ये जो टेबल बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है एज फॉर द नीट एज वेल एज मेंस एज वेल फॉर द बोर्ड ऑल्सो। तो फिर जैसे कि सबसे पहले हमने आर सर्किट के बारे में पढ़ा था, तो आर सर्किट में जैसे कि हमने देखा था कि फाई की वैल्यू जो है सो जीरो होती है। अब पावर फैक्टर निकालना है, डेट इज कॉस फाई। तो कॉस जीरो इज हाउ मच, कॉस जीरो इज वन, सो इसका वैल्यू पावर फैक्टर इज हाउ मच, वन। एल सर्किट का हमने देखा था कि 190 डिग्री से लैग कर रहा था, डेट इज 90 डिग्री, सो फाई 90 डिग्री, देन कॉस 90 इज हाउ मच द वैल्यू, जीरो। सो सी सर्किट भी ऑल्सो हमने देखा था 90 डिग्री, सो इट इज ऑल्सो कॉस 90 इज जीरो। फिर आर एल सर्किट के बारे में हमने देखा था, आर एल सर्किट में हमें कोई एंगल पता नहीं चलता है, तो हम उसको मान सकते हैं कि कोई भी एंगल, लेट अस अज्यूम एज फाई, वो फाई एंगल से जो है सो वो अपना एंगल बनाता है, तो मीन्स कॉस फाई इज नथिंग बट आर बाई जेड। आर को तो सेम लिखेंगे जेड, लेकिन आर को क्या लिखेंगे, क्योंकि ये आर एल सर्किट है, तो रूट अंडर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो हमने पढ़ा हुआ था पिछले वीडियो में। फिर आर सी सर्किट, आर सी सर्किट का भी हमने एंगल कुछ मांगा था, दैट इज नथिंग बट इट इज फाई, और कॉस फाई का वैल्यू फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, तो आर मीन्स आर और जेड को हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज आर सी सर्किट, सो रूट अंडर एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। तो ये हमने पावर और पावर फैक्टर के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग चोक कॉइल के बारे में देखने जा रहे हैं। The next thing that we are going to study is nothing but it is a choke coil. So we'll see what is choke coil. So first point is nothing but at most. At most places in India, the household electric supply is 220 volt. That I, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बोला था कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आती है वो एक्चुअली 220 वोल्ट की आती है, उसको हमने VRMS में IRMS में भी चेंज करके बताया था, वो एक्चुअली हमें IRMS जो है सो आती है, उसका एक्चुअल IRMS में जब वैल्यू होती है तो वो कितना हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज जो है सो हमारे घर में जो सप्लाई होती है दैट इज नथिंग बट इट इज 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसकी 50 हर्ट्ज। होप दिस इज क्लियर। फिर सेकेंड पॉइंट इसका, सम डिवाइसेस लाइक ट्यूबलाइट, और सम डिवाइसेज जैसे कि ट्यूबलाइट होते हैं, ये जो है सो इस हाई वोल्टेज जैसे कि 220 वोल्ट पे जो है सो काम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें चोक कॉइल यूज करना पड़ेगा। सम डिवाइसेज लाइक ट्यूबलाइट कैनॉट वर्क एट such voltage, such high voltage. So how many voltage is that one? That is nothing but the 220 volt. Correct. Next point होता है कि इस voltage को जो है जो हमें reduce करना पड़ता है ट्यूबलाइट के लिए, जैसे कि मरकरी ट्यूब जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हमें जो यूज करना पड़ता है दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड चोक कॉइल। ओके, चोक कॉइल की हमें कब यूज करनी पड़ती है, जब हमें जो है सो वोल्टेज होती है, सो हाई वोल्टेज हमारे घरे में आती है, उस वोल्टेज को जो है सो हमें लो करना पड़ता है मरकरी को ग्लो होने के कारण। तो टू रिड्यूस द वोल्टेज, रिड्यूस द वोल्टेज इन ट्यूब लाइट दैट इज नथिंग बट द मरकरी ट्यूब, मरकरी ट्यूब्स हमें क्या करना पड़ता है, वी यूज चोक कॉइल। तो इससे हम एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं,
रिड्यूस द वोल्टेज इन द ट्यूबलाइट, मतलब जो वोल्टेज को जो हमें रिड्यूस करना है ट्यूबलाइट के लिए, तो उसके उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, एक लार्ज रेजिस्टर को जो है सो कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको जो है सो सीरीज में हमें ट्यूबलाइट के साथ लाना पड़ेगा, जिसके कारण जो है सो हम चोक कॉइल को जो है सो वहाँ पे यूज कर पाएंगे और उससे हमारा वोल्टेज जो होगा ट्यूबलाइट का वो कम हो जाएगा और फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस बल्ब को ग्लो करने के लिए। और ये रेसिस्टर एक्चुअली जो हम रेसिस्टर जो इसमें यूज करेंगे, वो रेसिस्टर क्या करेगी, वो जो है सो वोल्टेज को रिड्यूस कर देगी ट्यूबलाइट में, लेकिन ये क्या करेगी, ये पावर को बहुत ही ज्यादा वेस्ट करेगी। तो वही हो गया नोट पॉइंट, तो हम नोट पॉइंट लिख लेते हैं, टू रिड्यूस द वोल्टेज इन ट्यूबलाइट वी कैन सिंप्लीफाई, वी कैन सिंपली कनेक्ट द कनेक्ट ए लार्ज रेजिस्टर डिनोटिंग बट द आर यू कैन डिनोट एज आर इन सीरीज विद ट्यूबलाइट दिस रेजिस्टर will reduce the voltage, will reduce the voltage in the tube light, correct? ये क्या करेगा, ये रेजिस्टर जो है सो वोल्टेज को जो है रिड्यूस करेगा, लेकिन क्या करेगा, ये पावर को भी वेस्ट करेगा, बट इट विल वेस्ट लॉट ऑफ, इट विल वेस्ट लॉट ऑफ पावर ड्यू टू द रेजिस्टर, इट विल वेस्ट लॉट ऑफ lots of power. Hope this is clear. तो हमें जो है सो इस मरकरी को जलाने के लिए जो है सो इसका यूज करना ही पड़ता है, अगर मरकरी को जलाना है तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, चोक कॉइल, करेक्ट। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, दैट इज नथिंग बट द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, चोक कॉइल जो होते हैं वो सीरीज LR सर्किट जो हमने पढ़ा था ना, चोक कॉइल वही होते हैं। चोक कॉइल इज ए सीरीज LR सर्किट, सीरीज LR सर्किट और द फंक्शन ऑफ द चोक कॉइल, फंक्शन जो होता है चोक कॉइल का क्या होता है, वो हमने देख ही लिया कि वो रिड्यूस करता है वोल्टेज को ट्यूबलाइट में, और वो क्या करता है, वो जो है सो पावर को जो है सो बहुत ही ज्यादा वेस्ट जो नहीं होने देता। ये चोक कॉइल अगर हम यूज करेंगे तब, अगर चोक कॉइल नहीं यूज करेंगे तो फिर पावर जो है हमारा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगा जब हम सिर्फ और सिर्फ ये रेजिस्टर को यूज करेंगे तब। तो फंक्शन क्या हो गया, द फंक्शन ऑफ चोक कॉइल is to reduce the voltage in the tube light without wasting too much power, Hope this is clear. क्या करता है ट्यूबलाइट, जो जब ट्यूबलाइट में जो है सो वो नहीं ग्लो कर पाता है, क्यों ग्लो नहीं कर पाता है, जो हमारे घर में जो पावर जो होती है वो 220 वोल्ट की आती है ट्रांसफार्मर से, और जिसके कारण जो है सो वो वोल्टेज जो है सो बहुत ही ज्यादा होती है ट्यूबलाइट के लिए। तो हमें यूज करना पड़ता है चोक कॉइल हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो है सो वो वोल्टेज को भी रिड्यूस कर दे और ज्यादा पावर को भी वेस्ट नहीं करे। इसके अलावा हम एक और चीज कर सकते हैं ट्यूबलाइट में, कि लार्ज रेजिस्टर को भी जो है सो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको यूज करेंगे तो वो वोल्टेज को तो ऑफकोर्स रिड्यूस कर देगी, बट ये जो है सो पावर बहुत ही ज्यादा वेस्ट करेगी। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग चोक कॉइल। होप दिस इज क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कि हमें जो है सो दैट इज 6 पॉइंट, करेक्ट। सो वी नीड लार्ज, हमें इम्पीडेंस ज्यादा बड़ा चाहिए, तो वी नीड लार्ज जेड, बट हमें रेजिस्टेंस जो है सो छोटा चाहिए। अगर रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, पावर को वेस्ट कर देगा।
अब ये देख लेते हैं हम ये बट आर बट स्मॉल आर यहाँ कनेक्ट। अब हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। जैसा कि हम आरएल सर्किट हम जानते हैं आरएल सर्किट कैसा बनता है, क्योंकि ये चोक कॉइल जो होता है सो आरएल सर्किट पर डिपेंड करता है। दिस इज आर एंड दिस इज एल, और ये हमारा वोल्टेज सोर्स, यहाँ से वोल्टेज जाएंगे। और ये मान लीजिए हमने यहाँ पर मरकरी लगाया, ओके। दिस इज नथिंग बट इट इज वोल्टेज, दिस इज आर एंड दिस इज एल, तो दिस इज आर एल सर्किट। तो इसका इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चोक कॉइल को यूज करने के लिए हमें जेड को क्या करना पड़ेगा, लार्ज करना पड़ेगा, और आर को हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा, करेक्ट। आर को हमें स्मॉल करना पड़ेगा। अगर हम जेड को लार्ज करते हैं तो आर को स्मॉल करना है, तो किसको हमें लार्ज, अगर इस फॉर्मूला में हम देखें हमें जेड को इंक्रीज करना है लेकिन आर को इंक्रीज नहीं करना, आर को स्मॉल करना है। इसके कारण हमें किसको लार्ज करना पड़ेगा, एक्सेल को ऑफ कोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा। एक्सेल शुड बी लार्ज, सो एक्सेल शुड बी लार्ज, एक्सेल शुड बी लार्ज। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये पावर जो है सो कैसे, इस हिसाब से जो है सो ये पावर कैसे जो है सो कम खर्च करती है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इट कम्स इज हाउ इट सेव्स द पावर। हाउ इट सेव्स पावर, ओके। तो हम ये देख लेते हैं पावर फैक्टर का, जैसा हमें पता है फॉर्मूला, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। सो पावर फैक्टर तो उसको डिनोट करते हैं कॉस फाई से। पावर फैक्टर इज डिनोटेड बाय कॉस फाई एंड फॉर्मूला इज नथिंग बट द आर बाय जेड, आर बाय जेड। तो ये आरएल सर्किट है, करेक्ट। तो कॉस फाई का आर और जेड क्या होगा, रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यस। तो मैं यहां से क्या करता हूँ, सारे टर्म को जो है सो मैं आर से डिवाइड कर देता हूँ। तो आर बाय आर ऊपर में और नीचे में एक्सएल बाय, जब आर जब बाहर में था तो आर अगर अंदर में आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्सएल बाय आर का होल स्क्वायर एंड प्लस आर बाय आर होल स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, आर आर गॉट कैंसिल, ये ऊपर वाला भी आर कैंसिल हो जाएगा, तो हम आ जाएंगे 1 बाय रूट अंडर एक्सएल बाय आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि कैसे भी होगा तो आर जो है सो यहाँ पे छोटा होना चाहिए ही चाहिए, इस ये डिनोमिनेटर के हिसाब से आर जो है सो हमेशा बहुत ही छोटा होना चाहिए, किससे, एक्सेल से बहुत ही छोटा होना चाहिए। मतलब हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन्स आर हमारा अप्रोक्सीमेटली 0, या प्रैक्टिकली इसको मान लेते हैं वेरी स्मॉल, क्योंकि नहीं मतलब प्रैक्टिकली कोई भी चीज 0 नहीं होता, तो मैं उसको वेरी स्मॉल मान लेता हूँ प्रैक्टिकली। तो इससे हमें क्या पता चल गया, इसका हमें जो है सो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला, हेंस द पावर इज लिटिल पावर इज वेस्टेड। सो हमें कंक्लूजन क्या निकला, हेंस वेरी लिटिल पावर इज वेस्टेड। आपको समझ में आ गई होगी चोक कॉइल, चोक कॉइल को यूज करते हैं, और आज हमने चोक कॉइल के बारे में पढ़ा। होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।